जन अधिकार पार्टी दरभंगा के युवा जिला अध्यक्ष विश्वभर यादव एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन यादव के संयुक्त नेतृत्व में हनुमान नगर प्रखंड के न्याम छतौना पंचायत में उखड़ा से छतौना 3 किलोमीटर आवागमन हेतु फीता काटकर निःशुल्क नाव सेवा का शुभारंभ किया गया। बता दें कि पिछले दिनों छतौना गांव से करीब 200 के संख्या में लोग जाप सुप्रीमो पप्पू यादव से मिलने बाढ़ विभीषिका के मद्देनजर डीएमसीएच पहुंचे थे, लेकिन उन लोगों को पप्पू यादव से मुलाकात तो नहीं हो सका, लेकिन कार्यकर्ता के माध्यम से मिली जानकारी के बाद पप्पू यादव के निर्देश पर तुरंत नाव की राशि मुहैया कराया गया था। उद्घाटन करते हुए विश्वभर यादव ने कहा कि बाढ़ यहाँ के लोगों के लिए अभिशाप बन गया है और जनप्रतिनिधि आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। अभी पंचायत चुनाव का समय है। चुनाव के बाद उखड़ा से छतौना तक बाढ़ के अस्थायी निदान व सड़क निर्माण हेतु जिलाधिकारी को आवेदन देंगे एवं विभागीय मंत्री से भी मिलकर अतिशीघ्र सड़क निर्माण कराने की मांग करेंगे। ये न्याम छतौना पंचायत है, यहाँ उघरा और छतौना के बीच सड़क उखड़ा के बीच सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है गांव और लगभग 3 किलोमीटर लोगों को कमर भर पानी से तैर कर आना पड़ता है मुख्य सड़क पे। तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के द्वारा यहाँ के लोगों के समस्याओं को देखा और यहाँ जब देखे तो बहुत कष्ट हुआ और एक फर्जी मुकदमे में जेल में बंद हैं। फिर भी पप्पू यादव, जो गरीब के मसीहाओं के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपने सिपाही को यहाँ भेजे और यहाँ एक निशुल्क नाव सेवा का लिए उपलब्ध करवाए। ये कब तक चलेगी? यह जब तक यह बाढ़ रहेगी तब तक यह नाव निशुल्क सेवा अनवरत चलता रहेगा। इसके स्थायी निदान के लिए क्या सोच रहे हैं? इसके अस्थायी निदान के लिए अभी आचार संहिता लागू है पंचायत चुनाव के कारण। जब आचार संहिता खत्म होती है तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे और जब तक इस गांव को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा जाता है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। बता दें कि छतौना उखड़ा चौक से महज 3 किलोमीटर पर अवस्थित है, लेकिन वहां की करीब 2000 आबादी बाढ़ के गंभीर समस्या झेलने को मजबूर है। सब सत्ता विपक्ष में बैठे लोग सत्ता और विपक्ष की मलाई चाट रहे हैं। जनता की सेवा के लिए कोई नहीं आगे आ रहा है। जनता के दुख दर्द से किसी को लेना देना नहीं है। एक पप्पू यादव ही थे जो जनसेवक थे, जनता के लिए जीते मरते थे। उनको भी ये निरंकुश सरकार एक साजिश के तहत आज 4 महीने से जेल में बंद करके रखा हुआ है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े घोटालेबाज को घर से बेल हो जाता है। कैसे कैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, कैसे कैसा जो है सो देश का लुटेरा, देश का गद्दार देश को छोड़ करके भाग गया और उसका केंद्र सरकार के द्वारा एनपीए माफ किया गया और गरीब की गाढ़ी कमाई को उस पर लुटाया गया। लेकिन पप्पू यादव जो अपना धन अपना निजी कोष से, ये नाव भी उनके निजी कोष से है और जब तक ये बाढ़ रहेगा और बाढ़ के बावजूद बाद भी ये यहीं के गरीबों के लिए, ये उनके सेवा के लिए नाव रहेगा। तो पप्पू यादव जी सेवा कर रहे थे तो उनको आज बंद किए हुए इसलिए कि ये इस सरकार के नाकामी को खुलासा नहीं कर दे।